हाय गाइज, आई एम राकेश, यू वॉचिंग नर्सिंग ट्रेंड्स। गाइज, स्टाफ नर्स क्वेश्चन पेपर 4 लेके आ गया हूँ, जो कि आपके ऑल नर्सिंग एंड CHO एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होना। तो शुरू से एंड तक वीडियो में बने रहे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। आज का क्वेश्चन फर्स्ट, ग्रीनिश येलो सेफ्रॉन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट्स। अगर एमनियोटिक फ्लूड का कलर ग्रीनिश येलो या फिर सेफ्रॉन हो जाए तो किसको इंडिकेट करता है? फीटल डिस्ट्रेस, RH incompatibility, पोस्ट मेच्योरिटी या फिर इंट्रा यूटेराइन डेथ। तो ये इंडिकेट करता है पोस्ट मेच्योरिटी की, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। फीटल डिस्ट्रेस, RH incompatibility एंड IUD में एमनियोटिक फ्लूड का कलर कैसा होता है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर एमनियोटिक फ्लूड है वो ग्रीनिश कलर, ग्रीन या फिर मिकोनियम स्टेंड हो तो ये इंडिकेट करता है फीटल डिस्ट्रेस को। और अगर एमनियोटिक फ्लूड गोल्डन कलर का हो जाए तो ये इंडिकेट करता है RH incompatibility को। और डार्क कलर का हो जाए तो ये इंडिकेट करता है कंसील्ड हीमरेज को। और अगर डार्क ब्राउन टोबेको जूस जैसा अगर एमनियोटिक फ्लूड का कलर हो जाए तो ये इंडिकेट करता है इंट्रा यूटेराइन डेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू ग्रीनिश डिसकलरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूड। एमनियोटिक फ्लूड का जो कलर ग्रीनिश या ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है? तो वो होता है म्यूकोनियम के कारण। अगर फीटस है वो म्यूकोनियम पास कर दे तो उसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूड है उसका कलर ग्रीन हो जाता है, ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाई प्लेसेंटा। कौन सा हॉर्मोन प्लेसेंटा के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG है ये होते हैं, जबकि टेस्टोस्टेरोन है ये प्रोड्यूस नहीं होता है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला है, ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स इन, जो ऑर्गेनोजेनेसिस है ये कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड या फिर ऑल द अबोव। तो ऑर्गेनोजेनेसिस है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंप्लीट हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस ये भी देख लेते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन फ्रॉम एम्ब्रियोनिक टिश्यूज। और कब होता है? इट अकर्स बिटवीन 2nd to 8th week ऑफ गेस्टेशन। दूसरे से 8वें वीक जो गेस्टेशन का है उसमें ऑर्गेनोसिस है ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 5, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर द फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम अम्बिलिकल वेन वाया। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फीटल सर्कुलेशन में इंटर होता है अम्बिलिकल वेन के, किसके वाया होता है? डक्टस वेनस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस या फिर इंट्रा हिपेटिक वेन्स या फिर इंट्रा हिपेटिक आर्टरी। तो राइट आंसर हो जाता है डक्टस वेनोसस, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, मूवमेंट ऑफ द बेबी फेल्ट बाई मदर आर नोन एज। बेबी की जो मूवमेंट है वो मदर के द्वारा फील की जाती है वो क्या कहलाती है? लाइटनिंग, इंगेजमेंट, क्विकनिंग या फिर बेलोटमेंट। तो ये कहलाती है क्विकनिंग, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। और क्विकनिंग कब फील होनी स्टार्ट हो जाती है? क्विकनिंग फेल्ट बाय मदर एट 20 week ऑफ गेस्टेशन, 20 week या इसके बाद में है वो मदर के द्वारा क्विकनिंग है वो फील की जाती है। लाइटनिंग टेक्स प्लेट इस, तो लाइटनिंग है ये कब होती है? तो लाइटनिंग है वो 36 week पे होती है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट जाता है। क्या होता है लाइटनिंग? द डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस इनटू द पेल्विस कॉल्ड लाइटनिंग और एंगेजमेंट। जो पेल्विस पार्ट्स है, डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट्स, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उनका पेल्विस में डिसेंड होना है वो लाइटनिंग या एंगेजमेंट कहलाता है, 36 week में होती है। टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अबाउट, प्रेगनेंसी के दौरान मदर के द्वारा लगभग कितना वेट है वो टोटल गेन किया जाता है? तो लगभग 11 kg वेट है वो राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। 10.5 kg, 11 kg, 11.5 kg है वो लगभग राइट हो जजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 9, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
ब्लूएस या फिर पर्पल डिसकलरेशन ऑफ द वेजाइनल म्यूकोसा इज ए साइन ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान जो वेजाइनल म्यूकोसा है ये अगर ब्लूएस या पर्पल डिसकलरेशन की हो जाए तो ये कौन सा साइन होता है, चैडविक साइन, गुडल साइन, हेगार साइन या फिर नन ऑफ द अबो, तो ये कहलाता है चैडविक साइन, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 10, इंक्रीज पल्सेशन फेल्ट थ्रू द लेटरल फोर्निक्स एट द 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी ड्यू टू मार्क्ड वेस्कुलरिटी इज, यानी यहाँ पे ये एक दूसरा साइन का पूछ लिया गया है और इसमें पूछा गया है कि 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मार्क्ड वेस्कुलरिटी के कारण जो वेजाइनल फोर्निक्स है, लेटरल फोर्निक्स है, उस पे जो पल्सेशन है वो बढ़ा हुआ फील होता है, तो ये कौन सा साइन है, हेगार साइन, जेक्वेमर साइन, गुडल साइन या फिर ओसेंडर साइन, तो ये कहलाता है ओसेंडर साइन, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द हार्मोन दैट कन्फर्म या फिर डायग्नोस प्रेगनेंसी इज, वो हार्मोन जिससे प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस है वो कन्फर्म होता है, तो वो हार्मोन होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है, एस सी जी यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 12 है फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ए रिजल्ट ऑफ एनीमिया, जो कि फिजियोलॉजिकल कहलाता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो जाता है फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ये किसके कारण होता है, इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम ऑफ द मदर, डिक्रीज डाइट्री इंटेक ऑफ आयरन, डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर या इंक्रीज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ आयरन बाई मेटरनल लीवर। तो फ्रेंड्स जो प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है वो होता है जो मदर का प्लाज्मा वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है उसके कारण, ऑप्शन ए है वो राइट हो जाता है। पूरी चीज़ आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीजेज बाई 50% वेर इज द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेज ओनली 30% विच रिजल्ट इन इंटू हीमोडायलाइसिस, यानी प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 50% बढ़ता है जो कि जो रेड ब्लड सेल काउंट है ये 30% बढ़ता है, इसकी वजह से हीमोडायलूशन हो जाता है और फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया कॉमनली इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में कॉमनली फिजियोलॉजिकल एनीमिया है वो देखने को मिलता है। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आर, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या है, पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ये ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे देखो ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन या जिनको हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है आर द नॉर्मल पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम वेरी अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विदाउट सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट, ये चीज़ भी याद रख लेनी है, बिगिंस 10th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की 10वें वीक में ही स्टार्ट हो जाते हैं। यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर डिलीवरी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीवरी के बाद में यूट्रस फिर से कब पेल्विक ऑर्गन है वो बन जाता है, कितने वीक्स बाद में, तो डिलीवरी के 10 से 12 डेज के बाद में या फिर यहाँ पे आया है 12 से 14 दिनों के बाद में या फिर 16 से 18 डेज के बाद में या फिर 18 से 20 डेज के बाद में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो यूट्रस है वो डिलीवरी के लगभग 12 से 14 दिनों के बाद में 12 से 14 दिनों के बाद में है फिर से पेल्विक में चला जाता है, तो पेल्विक ऑर्गन है वो बन जाता है, ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है FHR फीटल हार्ट रेट कैन वी अस्कल्ट विद ए फिटोस्कोप एज अर्ली एज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फिटोस्कोप से फीटल हार्ट रेट है वो कब से सबसे पहले स्टार्टिंग अपने सुन सकते हैं, 15 वीक, 30 वीक, 28 वीक या फिर 20 वीक्स, तो फिटोस्कोप से जो FHR है वो 20 वीक या इसके बाद में सुन सकते हैं, इससे पहले फिटोस्कोप से नहीं सुन सकते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाता है। FHR डिटेक्टेड बाई ड्रोपलर ट्रांसड्यूसर एट 10 वीक्स, जो ड्रोपलेट ट्रांसड्यूसर होता है इसके द्वारा जो FHR है फीटल हार्ट रेट है ये 10 वीक के बाद में भी सुनी जा सकती है 10 वीक या, लेकिन जो फिटोस्कोप है उससे 20 वीक या इसके बाद में सुनी जाती है। नेक्स्ट द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा इज 8 टर्म, ह्यूमन प्लेसेंटा का एवरेज वेट है 8 टर्म है वो कितना होता है, यहाँ पे प्लेसेंटा का वेट पूछा गया है, तो प्लेसेंटा का जो वेट है वो एवरेज 500 ग्राम होता है, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट
हो जाता है। ये आ गया वेट ऑफ यूट्रस एट ट्रम, यूट्रस का वेट है ट्रम पे लगभग 1000 ग्राम है वो होता है, और प्लेसेंटा का है वो लगभग 500 ग्राम है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे सामने 17, इनएडिक्वेट इंटेक ऑफ विच विटामिन बाई प्रेग्नेंट वुमन मे कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा कौन सा सप्लीमेंट्स है, कौन सा विटामिन है वो इनएडिक्वेट कम लेने के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो हो जाता है। तो फोलिक एसिड अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं लिया जाए, कम लिया जाए प्रेगनेंसी में, तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो हो सकता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द कैल्शियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी का जो सेकेंड हाफ होता है या प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट है वो कितनी होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की है वो डेली रिक्वायरमेंट 1000 mg है वो होती है, 1000 mg ऑप्शन बी राइट हो जाता है। और लैक्टेशन, जब मदर मिल्क पिलाती है बच्चे को, बच्चा होने के बाद में लैक्टेशन में है, वो 1500 mg पर डे है वो कैल्शियम की जरूरत होती है। और एडिशनल किलो कैलोरी प्रेग्नेंसी में कितनी जरूरत होती है, 300 किलो कैलोरी की एडिशनल वो जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपने सामने 19, द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री एक्लेम्पशिया इज, प्री एक्लेम्पशिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है वो होती है प्री एक्लेम्पशिया में। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। विच ऑफ दीज इज नॉट द साइन ऑफ प्री एक्लेम्पशिया, निम्न में से कौन सा है वो प्री एक्लेम्पशिया का साइन नहीं है। तो प्री एक्लेम्पशिया का साइन है एडिमा, प्रोटोनूरिया, हाई ब्लड प्रेशर है ये होते हैं, पायरेक्सिया है वो नहीं होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एंड सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया इंक्लूड्स, प्लेसेंटा प्रीविया के जो साइन और सिम्टम है उसमें क्या इंक्लूड है। तो शार्प एब्डोमिनल पेन इंक्लूड नहीं होता है, अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन ये भी इंक्लूड नहीं होता है, इंक्रीज लो बैक पेन ये भी नहीं होता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये साइन एंड सिम्टम्स होता है प्लेसेंटा प्रीविया का। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया ये भी देख लेते हैं। प्लेसेंटा दैट इज इम्प्लांटेड इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट कॉल्ड प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्लेसेंटा है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट में इम्प्लांट हो जाए तो ये प्लेसेंटा प्रीविया कहलाते हैं। करेक्टराइज बाई पेनलेस ब्राइट रेड वेजाइनल ब्लीडिंग, लो बीपी, यूट्रस फील रिलैक्स्ड, सॉफ्ट इलास्टिक फ्लोटिंग हेड ऑफ फिटस एंड फीचर ऑफ एनीमिया, ये है वो प्लेसेंटा प्रीविया के करेक्टराइजेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 22, प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा फ्रॉम द यूटेराइन वॉल बिफोर डिलीवरी इज कॉल्ड, अगर डिलीवरी से पहले प्लेसेंटा का यूटेराइन वॉल से प्री मेच्योर सेपरेशन हो जाए तो इसको क्या कहा जाता है, अब्रुप्सियो प्लेसेंटा कहा जाएगा। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हेन द फीटस डाइड एंड रिटेन्ड इन द यूट्रस इज कॉल्ड, जब फीटस है वो डेड हो जाता है और यूट्रस में ही रिटेन्ड है, यूट्रस में ही बना होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, मिस्ड अबॉर्शन कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है 24, विच शुड बी केयरफुली असेस्ड बाई द नर्स गिविंग नर्सिंग केयर ऑफ ए मदर विद स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन की मदर को नर्सिंग केयर करते हुए नर्स है वो क्या केयरफुली असेस करेगी, हेमरेज को केयरफुली असेस की जाएगी। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी इज नोन एज, अगर फर्टिलाइज्ड ओम है ये यूटेराइन कैविटी के बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाए तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहा जाएगा। ऑप्शन ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाए उससे पहले देख लेते हैं कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये भी कई बार पूछा जाता है, फेलोपियन ट्यूब होता है, क्लासिक ट्राइड्स यानी जो क्लासिक 3 सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एमनोरिया, एब्डोमिनल पेन, वेजाइनल ब्लीडिंग है, वो 3 क्लासिक सिम्टम्स होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के, एमनोरिया या और एब्डोमिनल पेन और वेजाइनल ब्लीडिंग, फेलोपियन ट्यूब है वो कॉमन साइट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, और वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम इज, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का एक कॉम्प्लिकेशन कौन सा होता है, कारसाकोफ साइकोसिस है ये होता है, ऑप्शन सी है वो राइट हो जाता है। क्या होता है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम, हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम मीन्स एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 27, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RH इम्यूनोप्रोफाइलेसिस इन RH नेगेटिव मदर इज गिवन इफ अबॉर्शन अकर्स इन, जो RH
इम्यूनोप्रोफाइलिक से इम्यूनोग्लोबिन है जो कि आरएच नेगेटिव मदर में दिया जाता है। ये कब दिया जाता है? मोर देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, यानी अबॉर्शन कब हो जाए तो 12 वीक्स के बाद में अगर अबॉर्शन हो जाए तो दिया जाता है, या 12 वीक से कम अगर टाइम में अबॉर्शन हो जाए तो दिया जाता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दिया जाता है, या ऑल ऑफ द अबोव कंडीशन। तो सभी कंडीशन में है वो आरएच इम्यूनोप्रोफाइलेक्स या आरएच इम्यूनोग्लोबिन डी है वो दिया जाता है, आरएच नेगेटिव मदर में दिया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। क्यों दिया जाता है, कितना कितना दिया जाता है, किस रूट से दिया जाता है, ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इफ आरएच नेगेटिव मदर डिलीवर आरएच पॉजिटिव इन्फेंट्स, अगर आरएच नेगेटिव मदर आरएच पॉजिटिव इन्फेंट्स की डिलीवरी करती है तो इम्यूनोग्लोबिन डी है वो दिया जाता है। एंटी डी गामा ग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 72 आवर ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर ये दिया जाता है। रूट होता है आईएम इंट्रामस्कुलर, कितना दिया जाता है, अगर 12 वीक के बाद में अबॉर्शन हो या डिलीवरी होती है तो 300 माइक्रोग्राम दिया जाता है, और अगर 12 वीक से पहले डिलीवरी हो जाए या अबॉर्शन हो जाए, 12 वीक से पहले डिलीवरी तो हो नहीं सकती, अबॉर्शन ही होता है, तो 50 माइक्रोग्राम है वो दिया जाता है। ये चीज़ें याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 28, द प्लेसेंटा शुड बी डिलीवर इन विद इन हाउ मेनी मिनट आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, प्लेसेंटा है वो बेबी की डिलीवरी होने के कितने मिनट बाद में हो जाता है, लगभग 30 मिनट बाद में है वो हो जाता है, 30 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। ऑप्शन बी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाए 29, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द थिनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स डेट अकर जस्ट बिफोर द बिफोर एंड ड्यूरिंग द लेबर। क्वेश्चन आया है कि जो सर्विक्स है वो थिनिंग्स और शॉर्टनिंग हो जाता है जस्ट बिफोर या ड्यूरिंग द लेबर, तो इसके लिए क्या टर्म है वो यूज की जाती है, बेलोटमेंट नहीं किया जाता, डायलेशन नहीं यूज किया जाता, इफेसमेंट है इसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 30, पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड इज विच मोर देन, पोस्टपार्टम हेमरेज तब कहा जाएगा, पीपीएस तब कहा जाएगा, जब ब्लड है वो कितने एमएल से ज़्यादा लॉस हो जाए, 500 एमएल से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस हो जाए तो इसको पोस्टपार्टम हेमरेज है वो कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुका है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज 30 ही क्वेश्चंस लेते हैं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना है, वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहा बेल आइकन दबाए, ऑल का जो नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करें ताकि नर्सिंग ट्रेंड के फ्यूचर वीडियो को भी मिस नहीं करोगे। जल्दी हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे मस्त रहे, थैंक यू फ्रेंड्स।